तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ मारुति सुजुकी कॉमर्शियल। हालांकि यहाँ पे मैं आया था सीएनजी वाली गाड़ी का वीडियो लेने, बट यहाँ पर आपके सामने मैं वीडियो दूसरी गाड़ी का भी बनाया। ये है मारुति की सेलेरियो, जो कि 2024 मॉडल है, और इसमें क्या कुछ मिलता है ये हम जानेंगे। बट इसका पहले निरीक्षण करते हैं, यानी कि साइड प्रोफाइल वगैरह दिखाते हैं, आगे की हेडलाइट वगैरह आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी मतलब गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लाइट भी बहुत अच्छी है इसका, देख रहे हैं। रेयर व्यू मिरर जो लगा हुआ है साइड में यहाँ पर, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है। और ये गाड़ी अपने आप में थोड़ा 3D लुक देती है। वो क्यों देती है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। वाटर ड्रॉप का बैकलाइट है, यहाँ पे आप इसका शेप देख रहे हैं, जैसे वाटर ड्रॉप लटक रही है, इस तरह से है बैकलाइट जो है। काफ़ी गजब की गाड़ी है। K10C इंजन आता है मारुति का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। सेलेरियो की बैजिंग यहाँ पर लगी हुई है, और 998 CC की गाड़ी है ये। पावर जो इसका मैक्स प्रोड्यूस करती है वो 65.71 BHP का 5500 RPM पे दे देती है, और टॉर्क जो है वो 89 Nm का 3500 RPM पे टॉर्क जनरेट करती है गाड़ी। गाड़ी कम्यूटर सेगमेंट के लिए, यानी कि सिटी, ये वैसे सेकेंड कम्यूटर सेगमेंट कह सकते हैं, या तो सेकेंड गाड़ी आप कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं अपने साथ में। फिलहाल बाइक जहां 1.5-2 लाख की आप खरीदना चाहते हैं, वहां पे क्यों ना आप अपने फैमिली के लिए ये गाड़ी ले लें। और ऑलमोस्ट गाड़ी बहुत अच्छी है सिटी राइडिंग के लिए। क्लेम जो कंपनी करती है इस पे माइलेज का, वो करती है यहाँ पे 26 का, ठीक है, और काफ़ी अच्छी है। ब्रिज स्टोन के यहाँ पे टायर आपको मिल जाते हैं। टायर की इसकी जो चौड़ाई ऊंचाई, ये काफ़ी गड्ढों को एब्जॉर्व कर लेती है, और काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आप ये लुक देख रहे हैं, 3D कट है यहाँ पे डिज़ाइन, और ये जो सेब है उभरा हुआ, ये काफ़ी अच्छा है। और ये इस समय एकदम न्यू गाड़ी शोरूम के अंदर खड़ी है, और मैं इसका वीडियो आपके सामने बता रहा हूँ। ये है VXI मॉडल है यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर एंटीना वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाता है। 5 सीटिंग कैपेसिटी है। फ्यूल टैंक 32 लीटर का इसमें गाइस मिल जाता है आपको। फ्रंट का यहाँ पे आप सीन देखिए, काफ़ी बढ़िया ज़बरदस्त गाड़ी लगती है। अगर आप आल्टो प्रेफर्ड कर रहे हैं तो क्यों ना आप इसको ले। हालांकि दोनों में इंजन सेम आपको मिल जाता है, बस मॉडल और डिज़ाइन अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीछे जो है रिफ्लेक्टर के साथ में इसका हेडलैम्प है। यहाँ पे फॉग लाइट आप अलग से अटैच करवा सकते हैं, आफ्टर मार्केट वैसे आप यहाँ भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। फिलहाल ये ग्रिल है, जो कि काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन आपको प्रोवाइड करेगी एसी के लिए, जो अंदर लगा हुआ है हीट के लिए एब्जॉर्विंग। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंदर का जो पैनल हम जब खोलते हैं, यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ साइड में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये देखिए, ये आर्म रेस्ट है यहाँ पे एक तरह से साइड में, हालांकि दूसरी साइड आर्म रेस्ट इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे ये नॉब है जिसे आप डोर अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल ये है बॉटल होल्डर है, यहाँ पे आप स्पीकर माउंट करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। इस तरह की चीज़ें आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। फिलहाल गाड़ी आपको कैसी लगती है, क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है इसकी सीट है, यहाँ पे आगे और पीछे होती है, ना कि अप एंड डाउन होती है। तो ये कुछ ऐसा सिनेरियो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है इसका आपको AC का वेंटिलेशन पे, आपको यहाँ पे सिल्वर का ऐसे दिख रहा है यहाँ पर, ये काफ़ी गजब का है, ठीक है। ये ऐसे बंद हो जाता है काफ़ी अच्छे से। तो कैसी लग रही है आपको गाड़ी, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये है यहाँ पे इसका सिस्टम, यहाँ पे की लगा करके आप इसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। ये मैनुअल है, और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आपको यहाँ पे कुछ सेमी डिजिटल सारी चीज़ें दिखती है। डोर ओपन है, उसका इंडिकेटर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मतलब लाइट ऑन है। और यहाँ पे हजार्ड दिया गया है, यहाँ पे आप इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं। बाकी CNG के साथ में जब आती है गाड़ी, तो यहाँ पे आपको लगा हुआ इसमें मिलता है। ये डैशबोर्ड है यहाँ पे, और ये जो है मैनुअल कंट्रोल AC है यहाँ पर आपका दिया हुआ विद हीटर। तो ये यहाँ पे ड्राइवर और को पैसेंजर के लिए साइड में यहाँ पे एयर बैग का भी सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर। गाड़ी बहुत ही अच्छी है। ये आपको 6,97,000 की यहाँ पे आपको ऑन रोड पड़ती है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, जिसका नंबर मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे, रिफ्लेक्ट कर हो जाएगा। और ये आपके सामने मैंने अभी टॉर्च जला दिया, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था। तो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे क्लच एक्सलेटर एंड ब्रेक्स, ये है सीट। और यहाँ पे देखिए, हेडरेस्ट वगैरह जो है वो एडजस्टेबल नहीं है, ये इसी के साथ फिक्स होकर के आता है यहाँ पर, आपको ये देखने को मिलेगा। आप इसको आफ्टर मार्केट जो है इसमें काफ़ी कुछ काम करवा सकते हैं। फिलहाल गाड़ी में आफ्टर मार्केट जैसा कुछ नहीं है, आप कंपनी जो दे रही है उसका यूज़ करिए, बाकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं। कुशनिंग बहुत अच्छी है इसका जो है, और गाड़ी बड़ी सुपीरियर है कम्यूटर सेगमेंट में। एक फैमिली है आपके पास में छोटी, आप उसमें इसके लिए कर सकते हैं। गाड़ी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर।
998 केजी की गाड़ी है। गाड़ी में जो ये आपको दिख रहा है सिस्टम, कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इसमें 313 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। ये बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, 313 लीटर का जो आपको मिल रहा है। और जो भी है आपके सामने है, कैसी लगती है, किस कलर में आपको पसंद है वो आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल ये यहाँ पे अगर आप इसका जो है रैक हटा देते हैं तो बूट स्पेस थोड़ा सा बढ़ भी जाता है यहाँ पर। तो ये है इस तरह से कुछ चाबी इसकी नॉर्मल सी दिखने वाली। और यहाँ पे इसके टॉप मॉडल में कीलेस भी आपको मिल जाएगी जब आप इसका टॉप मॉडल वेरियंट लेते हैं। फिलहाल ये है कुछ इसकी साइड प्रोफाइल जैसा कि मैंने दिखाया। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से है। गाड़ी कुछ देखने में बढ़िया लगती है। और ये है पूरी इस समय शोरूम में इस तरह से खड़ी गाड़ी, मारुति सेलेरियो VXi मॉडल आपके सामने। तो बहुत ही मतलब एक 3D लुक आ रहा है। आपको कैसे लग रहा है प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अतुल को जाजा। टिल देन गुड बाय। चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।